हाय एवरीवन, आई एम अदिति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 1 जनवरी 2023। सो मैंने सोचा साल की शुरुआत क्यों ना कुछ अच्छे से की जाए, तो मैं रेडी हुई हूँ मंदिर जाने के लिए। और मेरे प्लान्स में काफ़ी सारे मंदिर हैं, बट मैं जाऊँगी किसी एक मंदिर में, एक टेम्पल में। जो मेरे दिमाग में टेम्पल है वो है बुल टेम्पल बेंगलोर का, जो कि काफ़ी फेमस टेम्पल है और मेरा मन काफ़ी टाइम से था वहाँ जाने का। तो मैंने सोचा आज संडे है, 1 जैन है, इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है वहाँ जाने के लिए। सो चलिए जल्दी से जर्नी को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। बुल टेम्पल के आसपास कार पार्किंग की जगह देखकर हमने कार पार्क कर ली। एक्चुअली यहाँ पे कार पार्किंग स्पेस बहुत ही लिमिटेड है और कार मेन रोड पे ही पार्क करनी पड़ती है। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ आना ही बेटर आइडिया है। ये है श्री बुल टेम्पल का मेन एंट्री गेट। यहाँ पे श्री डोडा गणपति टेम्पल एंड श्री शिवा टेम्पल भी है। ऑल्सो बगल रॉक पार्क है। हम रॉक पार्क नहीं गए, जस्ट टेम्पल विजिट किया हमने आज। तो आइए सबसे पहले चलते हैं बुल टेम्पल की ओर। बुल टेम्पल की एंट्री गेट पे ये ह्यूज बुल हॉर्न मेड ऑफ रॉक्स हैं। बुल हॉर्न सीढ़ियों के दोनों साइड बने हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली 40 स्टेप्स हैं सीढ़ियों के टेम्पल तक जाने के लिए। बुल टेम्पल जाने के लिए जो स्टेप्स है उसके साथ ही बहुत ही ब्यूटीफुल सा पार्क बना हुआ है, जिसके थ्रू इन्होंने बताया है कि एक सदी से भी अधिक समय पहले सनकेना हल्ली क्षेत्र में मूंगफली की खेती की जाती थी, जिसे बड़े पैमाने पर बैल खा जाते थे। एक समाधान के रूप में बुजुर्गों ने लगभग 500 साल पहले कैंपेगुआड़ा द्वारा स्थापित डोडा बसवन्ना को उपज देने का फैसला किया। इस पार्क के थ्रू ये मूंगफली की फसल को बहुत ही खूबसूरती से फार्मर को सेल करते हुए दिखाया गया है। आइए आगे चलते हैं। ये है टेम्पल की ब्यूटीफुल एंट्रेंस। बुल टेम्पल को नंदी शिव के वाहन का प्रतीक माना गया है। इस टेम्पल को 1537 में कैंपेगुआड़ा द्वारा विजयनगर आर्किटेक्चरल स्टाइल में विजयनगर एम्पायर के अंडर बनाया गया था। मंदिर का नाम मंदिर में मौजूद ग्रेनाइट नंदी की मूर्ति के नाम पर रखा गया है, जो कि चारकोल एंड ऑयल से घिसने से वर्षों से काला हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी नंदी मूर्तियों में से एक है, और चारकोल और ऑयल घिसने से पहले इसका कलर ग्रे कलर का था। मूर्ति की ऊंचाई लगभग 15 फीट यानी कि 4.6 मीटर है और ये लगभग 20 फीट 6.1 मीटर लंबी है। बुल टेम्पल के निर्माण से जुड़ी एक रोचक कथा भी है। यह क्षेत्र मूंगफली की समृद्ध खेती के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उस क्षेत्र में एक पैल था जो फसलों को नुकसान पहुंचाता था। किसानों ने चिंतित होते हुए उसे खुश करने के उम्मीद से बैल के लिए एक मंदिर बनाने का फैसला किया। चमत्कारिक रूप से मंदिर के निर्माण के बाद बैल ने फसलों को उजाड़ना बंद कर दिया। किसानों ने खुश होकर मंदिर के बगल में मूंगफली का मेला लगाना शुरू कर दिया। यह मेला आज भी कडलेकाई परसे के रूप में जाने जाने वाला त्यौहार अभी भी इस क्षेत्र में जारी है। यह मेला आज भी नवंबर दिसंबर में आयोजित किया जाता है, जिसमें किसानों द्वारा फसलों की पहली फसल नंदी मंदिर को अर्पित की जाती है। यह भी कहा जाता है कि मूर्ति को बढ़ने से रोकने के लिए भगवान शिव द्वारा बैल के सिर पर लोहे की प्लेट रखी गई है। इसके साथ ही शिव टेम्पल है एंड हनुमान टेम्पल एंड और भी बहुत से
टेम्पल्स हैं, आप यहाँ आओ तो यहाँ पे भी विजिट कर लेना। उसके बाद फिर हम श्री डोडा गणपति टेम्पल में गए, यहाँ पे गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। अब लगी थी जोरों की भूख तो हमने मंदिर के सामने जूस जंक्शन में गए एंड मैगी खाई। ये बहुत ही बिजी शॉप थी, फिर हमें पता चला कि विद्यार्थी भवन भी नज़दीक ही है तो हम वहाँ चले गए, लेकिन विद्यार्थी भवन के सामने रोड कंस्ट्रक्शन हो रही थी एंड विद्यार्थी भवन में भी बहुत भीड़ थी। लेकिन बहुत सुना था विद्यार्थी भवन का तो यहाँ आकर खाने का मन तो था। फाइनली हमारी टर्न आई एंड अंदर आए तो स्टार्ट किया इस पाइनएप्पल केसरी भात से और फिर मसाला डोसा, वड़ा एंड फिल्टर कॉफ़ी के मज़े लिए। सो गाइस, फाइनली अब हम घर आ गए हैं। तो कैसा लगा आप सबको आज का ब्लॉग? अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।